माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फेयरवेल मेकअप लुक शेयर करने वाली। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं और अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे साड़ी सेलेक्ट करें, कैसे तैयार हुए, बहुत सारा मतलब जब फेयरवेल आने वाला रहता ना तो हम गर्ल्स लोग स्पेशली बहुत सारा रहता है कि तू क्या साड़ी पहन रही, कैसे सेलेक्ट करें, कैसे तैयार हुए। तो आज बहुत सारे टिप्स एंट्रेस के साथ मेरा ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को करते जल्दी से शुरू। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, अपने लिप्स में अच्छे से लिप बम अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि देखो जब विंटर सीजन रहता है ना तो हमारी स्किन ऑलरेडी काफ़ी ड्राई रहती है, तो अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है प्राइमर। अब जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं ना तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं, तो आप अगर आप एक स्टूडेंट हो और NYBA की क्रीम आप अगर बाय कर सकते हो तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और साथ ही साथ आपको ये एज अ प्राइमर, एज अ ब्लश, एज अ हाइलाइटर आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी लाइट वेट है, तो ज़रूर इसको बाय करो एंड ट्राई करो। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन। अब देखो स्टूडेंट हो तो अगर आप BB या CC क्रीम में जाते हो, ये सब अप्लाई करते हो, तो आपका लुक काफ़ी नेचुरल सा आएगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। और अगर आप लगाना चाहते हो फाउंडेशन तो ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन या फिर लेयर टू लेयर आपको अप्लाई नहीं करना है। और अभी विंटर चल रहा है तो आप जितना सीरम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करोगे उतना अच्छा है ना। फिर फाउंडेशन लगाने के बाद आपको अप्लाई करना है कंसीलर। अब देखो अगर आपके फेस में ज़्यादा डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन नहीं है तो कंसीलर को भी आपको इग्नोर करना है, कंसीलर को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके फेस में पिंपल्स हैं, रेडनेस है, तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हो। और जब आप अपने आईज मतलब अगर आपको डार्क सर्कल्स है और आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद आपको तुरंत कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको लॉक कर देना है। मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा लगा के उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको उसको डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि जिससे ना हमारा कंसील क्रीज नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है ब्लश। अब डे टाइम हमारा पार्टी है तो आप एकदम रेड या पिंक सा डार्क सा ब्लश यूज़ करोगे तो काफ़ी फेक चीक दिखेगा, है ना। तो आपको अपने चीक्स में एकदम सिंपल सा कोई न्यूड शेड का ब्लश अप्लाई करना है, जिससे नेचुरल लुक भी है और अच्छा भी लगे देखने में। फिर उसके बाद अपने पूरे फेस में नेक एरियाज सब तरफ आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेना है। ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारी स्किन को ऑलरेडी ड्राई कर देगा। फिर उसके बाद अब चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने आई मेकअप की। तो अब डे टाइम रहता है तो अगर हम एकदम स्मोकी आई या शिमरी आई बना लेंगे तो थोड़े से अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट सा शेड, न्यूड सा शेड यूज़ करना है आई शेडो के लिए भी। तो मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन और उसको अपने क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद ना आपको एक सिंपल सा काजल लेना है और काजल से एक लाइन ड्रॉ करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे क्या थोड़ा सा स्मोकी लुक का टचअप भी आ जाएगा और आपकी आईज दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और डे टाइम का ये ना लुक बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इस तरीके से आप अपने आई मेकअप करते हो ना तो आपका आई लुक काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा, है ना। फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको अप्लाई कर लेना मस्कारा। मस्कारा अप्लाई कर सकते हो, काजल अप्लाई कर सकते हो, आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। और अब देखो आईलाइनर अप्लाई करो तो आपको आपका आईलाइनर ज़्यादा मोटा ना रहे, आपकी विंग ज़्यादा बड़ी ना रहे, ज़्यादा निकली हुई ना रहे, वैसा अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, ये रहा मेरा आई मेकअप लुक, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद आपको एक बार मतलब आखिरी में क्या करना, जब आपका पूरा मेकअप हो जाएगा तो ब्लैक शेड और ब्राउन शेड जो लाइट शेड है ट्रांजेक्शन शेड, उन दोनों को एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेना और फिर आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है कि लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा सा स्मोकी लुक जैसा टचअप दिखे तो आप वहाँ पास कोई सा भी ब्लैक शेड या ब्राउन शेड पिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो, अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपको एक नूड सी लिपस्टिक लगा लेना है और पूरे मेकअप को एक बार सेटिंग स्प्रे से आपको फिक्स कर लेना है, जिससे आपका मेकअप काफ़ी दिखने में अच्छा रहे और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर। अगर आप पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम यूज़ करो, क्योंकि विंटर चल रहा है तो अगर आप जितना क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेरा लुक। अब देखो एक्सेसरीज की बात करें तो आप थोड़ा जितना कम आपका एक्सेसरीज रहेगा उतना आपकी लुक अट्रैक्टिव लगेगी। अब हेयर्स की बात करें तो देखो हेयर में क्या होता है कि ज़्यादा लड़की लोग खुला ही बाल रखना पसंद करते हैं, तो अगर आप अपने स्ट्रेट कर सकते हैं हेयर्स को, कर्ल्स कर सकते हो
और बन तो अच्छा लगता नहीं है ऐसे फेयरवेल में, तो आप स्ट्रेट या कर्ल्स कर सकते हो, और हेयर्स में एक्सेसरीज ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप एक हैंड बैग कैरी कर सकते हो, अभी झुमका चल रहा है थोड़ा ट्रेडिशनल में, तो आप झुमका पहन सकते हो, हाथ में आप एक सिंपल सी वॉच या फिर ब्रेसलेट पहन सकते हो, सिंपल सी एक छोटी सी रिंग पहन सकते हो, आपके हाथ में एक हैंड बैग छोटा सा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। वॉच की जितना कम एक्सेसरीज आपका लुक उतना अट्रैक्टिव, और आपकी साड़ी जितनी सिंपल आप उतने अच्छे दिखोगे। सो गाइस ये रही मेरी 2020 ट्वेल्थ फेयरवेल की पिक, कैसी लग रही हो ज़रूर बताना, उसमें काफ़ी पतली थी। सो गाइस आज का ये मेरा मेकअप वीडियो, मेरे टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सभी के साथ शेयर करो, और मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो करो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में, और चलो मिलती हूँ जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो न्यू कंटेंट के साथ, मिलती हूँ तब तक बाय एवरीवन एंड टेक केयर।